हेलो फ्रेंड्स, मीमास कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं किचन के 3 ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, जो बहुत यूज़फुल हैं और आपको बहुत काम आएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है टिप नंबर 1। इस टिप में मैं आपको कढ़ाई मसाला बनाना दिखाऊंगी। जो कढ़ाई पनीर में हम डालते हैं वो मसाला है ये, लेकिन आप इसको बना के रख सकते हैं और ये किसी भी सब्जी में आप डाल सकते हैं इस मसाले को। इसके लिए हमें कुछ खड़े मसाले चाहिए। तो 1 चम्मच हम साबुत धनिया लेंगे, 1/2 चम्मच जीरा, 10 से 15 काली मिर्च, 7 से 8 लौंग और 2 टुकड़े दालचीनी। तो एक पैन लेंगे और इन मसालों को हम सूखा ही रोस्ट करेंगे। इन्हें जब तक रोस्ट करना है जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए और इनमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अब हमारे मसाले का कलर चेंज हो गया है और इसमें खुशबू भी आने लगी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको कूट लेंगे। इनको दरदरा ही कूटना है, इनको मिक्सी में नहीं पीसना, क्योंकि कूटे मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए हमें इसको कूटना है। आप इसको ज़्यादा बनाकर किसी डब्बे में भर के रख सकते हैं और जब भी सब्जी बनाए इसको डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा मसाला कूट गया है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसका कढ़ाई पनीर बना के दिखाती हूँ, उसमें ये डालूँगी। तो हम एक पैन लेंगे, पैन में हम शिमला मिर्च के टुकड़े डालेंगे जो हमने मोटे काटे हुए हैं, उसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने काटा नहीं है, उसके 4 टुकड़े कर लिए थे और उसकी अलग अलग लेयर निकाल लिए हैं, इसको भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। जब ये थोड़ा सा ही पक जाए, हमें ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा ही पकाना है, अब इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर को भी हमें 1 मिनट पकाना है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको ना पकाएं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम दूसरी कढ़ाई लेंगे और ऑयल गरम होने देंगे। हमने मोटा मोटा प्याज काटा हुआ है तो वो हम इसमें डालेंगे। इसको 1 मिनट चलाएंगे, उसके बाद हम अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन को भी हमने मोटा मोटा काटा है। अब प्याज को थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें भूनना है इसको। देखिए हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे जिससे कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को हमें इतना ही भूनना है जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। अब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। अब इनको अच्छे से भून लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे और फिर इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई को दोबारा लेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, उसको गर्म होने देंगे और जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें डालेंगे। अब हम इसको भून लेंगे। अब हमारा मसाला भून गया है, अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। तो कसूरी मेथी को हाथ में लेके उसको हाथ से रब करके फिर डालना है जिससे कि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी डाल दिया था तो अब थोड़ा सा ही नमक डालना, ध्यान से नमक डालना। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम को पहले फेंट लें फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से डालें कि आपको ग्रेवी कितनी गाढ़ी या पतली चाहिए, उस हिसाब से पानी डालें। इसकी ग्रेवी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। जब इसमें एक बॉयल आने लगे तब हम इसमें पनीर और जो हमारी शिमला मिर्च और प्याज थी वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
दोस्तों अगर आपको इसके पूरे मेजरमेंट के साथ रेसिपी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाकर वो देख सकते हैं। अब इसमें हम कढ़ाई मसाला डालेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम धनिया पत्ती डालेंगे। अब इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे, उसको भी मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप ये मसाला बनाएं और दूसरी सब्जियों में भी इसको डाल सकते हैं, दूसरी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब है टिप नंबर 2, अगर आपको करेले कड़वे लगते हैं तो उसका कड़वापन हटाने के लिए ये ट्रिक है। मैंने करेलों को पतला पतला काट लिया है, आप जैसे भी शेप में काटना चाहें आप काट सकते हैं। और इसमें नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसको साइड में रख देंगे, 1 घंटे के लिए मिनिमम रखें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब मैंने 1 घंटा रखा है तो 1 घंटा हो गया है। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। अब मैंने इसको पानी डाला है तो इसको थोड़ा मसल मसल के धोएं जिससे कि इसका कड़वापन निकल जाएगा। अब हम इसका पानी फेंक देंगे और दोबारा धोएंगे तो दोबारा वॉश करना है इसको। अब मैं इसमें दोबारा पानी डाला है, दोबारा भी अच्छे से मसल मसल के धोना है। अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे, इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। दोनों हाथों से आपको इसका पानी निकालना है जिससे कि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। दोस्तों आप इन करेलों को रात को काट के नमक डाल के इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और सुबह आपको जब बनाना है तो उसको निकाल के और अच्छे से धो के इसको बना लें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो जीरा डालेंगे, फिर हम इसमें करेले डालेंगे। करेले को हमें ब्राउन होने तक भूनना है। जब ये थोड़े से हल्के से ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसको भूनना है। देखिए दोस्तों हमारे करेले ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, तो प्याज जो मैंने लंबा लंबा काटा था अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर हम भूनते रहेंगे। इसको थोड़ा ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अमचूर पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1-2 मिनट तक हम इनको भूनते रहेंगे और हमारी करेले की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। आप ट्राई करें, बिल्कुल कड़वी भी नहीं लगेगी और टेस्टी भी लगेगी। अब है टिप नंबर 3, इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि आप आमलेट को फ्लफी कैसे बना सकते हैं, एकदम फूला फूला मोटा मोटा आमलेट कैसे बना सकते हैं। मैंने 1 कटोरी में 2 अंडे तोड़ के डाल दिए हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच बेसन डालूंगी। तो 1 चम्मच बेसन से ही हमारा आमलेट बिल्कुल फ्लफी हो जाता है, एकदम फूला फूला बनता है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है, आप चाहें तो इसको मिक्सी में मिक्स कर सकते हैं क्योंकि इसकी गठाने बन जाती हैं तो वो थोड़ा सा हमें फेंटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा और नमक, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसका ऑमलेट बनाएंगे। तो हम एक तवा लेंगे, उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसमें थोड़ी ऑयल की या घी की एक लेयर लगा देंगे जिससे कि हमारा ऑमलेट चिपके ना। अगर आप नॉन स्टिक पे बनाना चाहते हैं तो उस पर भी आप बना सकते हैं। और इसको अच्छे से फैला देंगे। अब नीचे से बिल्कुल आराम से निकल गया है, अब हम इसको पलटा देंगे। दोस्तों आप ये ऑमलेट ज़रूर ट्राई करें। आप 1 चम्मच की बेसन की जगह आप 2 चम्मच या 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब हमारा ऑमलेट बिल्कुल बनके तैयार है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, इतना फ्लफी भी है बिल्कुल। तो दोस्तों आप इन रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।